आज हम ये प्रूव करने लगे हैं कि फंक्शन स्पेस सी ए बी इज कम्प्लीट। इस थ्योरम के अंदर दो बातों का जिक्र है, एक तो फंक्शन स्पेस सी ए बी की बात करनी है और दूसरे बात यह करनी है कि ये कम्प्लीट है। पहले याद करवा देता हूँ कि कम्प्लीट मैट्रिक्स स्पेस का क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है। एक मैट्रिक्स स्पेस के अंदर एक सीक्वेंस को हम कहते हैं वो मैट्रिक्स स्पेस के एक एलिमेंट एक्स को कन्वर्ज कर रही है अगर सीक्वेंस की टर्म्स और एक्स का डी हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से छोटा हो जाए। हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए आपको एक नेचुरल नंबर एन नॉट मिल जाए कि सीक्वेंस की टर्म नंबर एक्स एन और एक्स का डी एप्सिलॉन से छोटा हो जब भी सीक्वेंस की टर्म का नंबर एन नॉट या एन नॉट से बड़ा हो, सीक्वेंस की टर्म्स एक्स के करीब हो जाए। हमने देखा हुआ है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस होती है और कॉशी सीक्वेंस हम ऐसी सीक्वेंस को कहते हैं जिसकी टर्म्स आपस में करीब हो जाएं। और हमने देखा हुआ है कि हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती है, कुछ कॉशी सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट होती हैं, कुछ कॉशी सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट नहीं होती हैं। ऐसी मैट्रिक्स स्पेस जिसमें हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो हम उसको कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस कहते हैं। थ्योरम के अंदर हमने प्रूव ये करना है कि ये स्पेस सी ए बी कंप्लीट है, यानी हमें ये प्रूव करना है कि इसके अंदर जब भी आप कोई कॉशी सीक्वेंस लेंगे वो कन्वर्जेंट होगी। स्पेस सी ए बी किस तरह की स्पेस है? स्पेस सी ए बी जो है इसमें फंक्शंस हैं। कौन से फंक्शंस हैं? वो फंक्शंस हैं जो कंटिन्यूस हैं, वो फंक्शंस हैं जो रियल वैल्यूड हैं और डिफाइंड ऑन ए बी है। मतलब ये है कि अगर हम ये कहें कि एक फंक्शन है सी ए बी में, अगर हम ये कहें कि एफ एक फंक्शन है सी ए बी में, अगर हम ये कहें कि एफ एक एलिमेंट है सी ए बी में, तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि एफ एक फंक्शन है जिसकी डोमेन क्लोज इंटरवल ए बी है, जिसकी रेंज सेट ऑफ रियल नंबर्स है और इस फंक्शन में एक और खूबी ये है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो स्पेस सी ए बी का क्या मतलब है? स्पेस सी ए बी का मतलब है ऐसे फंक्शंस जो डिफाइन किए गए हैं क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर जो रियल वैल्यूड हैं और जो कंटिन्यूस फंक्शंस हैं। इस स्पेस के लिए हमें कुछ बातें मालूम है कि अगर दो एलिमेंट्स इस स्पेस के हैं तो उनका सम उनको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें यानी माइनस एफ से, ये भी इसी स्पेस के एलिमेंट्स होते हैं। और हमें एक रिजल्ट रियल एनालिसिस से याद है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस हो क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर और आप उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मालूम करना चाहें टी बिटवीन ए बी में ए और बी के दरमियान एलिमेंट्स के ऊपर, तो वो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है और उसी इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करती है। इस बात का इस्तेमाल करते हुए हमने इस स्पेस सी ए बी में, इस सेट सी ए बी में मैट्रिक डिफाइन किया और इसे मैट्रिक स्पेस बनाया है। और मैट्रिक कैसे डिफाइन किया गया है कि जब भी आप दो एलिमेंट्स एफ और जी लें इस स्पेस सी ए बी में से, तो उनके दरमियान डी का फार्मूला है एफ ऑफ टी माइनस जी ऑफ टी के मॉडुलस की मैक्सिमम वैल्यू। और ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, क्यों एग्जिस्ट करेगी? क्योंकि एफ और जी कंटिन्यूस हैं तो एफ माइनस जी फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा और एफ माइनस जी कंटिन्यूस फंक्शन है यानी ये सी ए बी में है, तो सी ए बी के एलिमेंट्स के लिए मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ये मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। और ये डी हम प्रूव कर चुके हुए हैं कि ये एक मैट्रिक है और इस डी के रिस्पेक्ट से सी ए बी एक मैट्रिक स्पेस है। हमें मालूम हो गया कि सी ए बी में किस तरह के एलिमेंट्स हैं और हमें मालूम हो गया क्या कि कंप्लीट मैट्रिक स्पेस क्या होती है। थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करने से पहले कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जिनका मुझे थ्योरम के प्रूफ में इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो हम बात करने लगे हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। अगर हमारे पास कोई फंक्शंस की सीक्वेंस हो तो उसके पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होने का क्या मतलब है और उसके यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होने का क्या मतलब है। अगर हमारे पास फर्ज करें मैट्रिक्स स्पेस सेट ऑफ रियल नंबर है, इसका सबसेट है, एक हमने सीक्वेंस ली है रियल वैल्यूड फंक्शंस की
यानी इस सीक्वेंस में फंक्शंस हैं, ऐसे फंक्शन जिनकी डोमेन ई और रेंज सेट ऑफ रियल नंबर्स में है। एक और फंक्शन एक्स है ई से आर पे, हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस एक्स एन जो है ये इस फंक्शन एक्स को पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है। कैसे कन्वर्ज कर रही है? पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है। अगर हर एप्सिलॉन के लिए हमें एक नेचुरल नंबर मिल जाए कि एक्स एन टी माइनस एक्स टी का मॉडुलस, इन अदर वर्ड्स डी एक्स एन और एक्स जो है वो एप्सिलॉन से लेस हो, फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट, सीक्वेंस की टर्म्स एक्स के करीब हो रही हैं। लेकिन किस तरह से करीब हो रही हैं? सीक्वेंस हमारे पास फंक्शंस की है, जिसके करीब हो रही हैं वो भी एक फंक्शन है। किस तरह से करीब हो रही हैं? जो हर दफा हमें नेचुरल नंबर मिलेगा वो डिपेंड करेगा दो बातों पे, एक कि हमने एप्सिलॉन क्या लिया है और दूसरा ये कि हम ये सीक्वेंस जो है किस पॉइंट टी पर हल कर रहे हैं। जो सीक्वेंस एक्सन है ये सेट ई के किस पॉइंट के ऊपर हल कर रहे हैं, हम कहेंगे एक्सन एक्स को पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही है एक एक पॉइंट के हिसाब से। जब भी हम कोई टी फिक्स करें, कोई सा भी एप्सिलॉन लें, उस टी और एप्सिलॉन पर डिपेंड करता हुआ हमें एक नेचुरल नंबर मिल जाए कि सीक्वेंस की टर्म्स एक्सन टी और एक्स टी ये आपस में करीब हो जाएं, इनके डिफरेंस का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो। जैसे जैसे आप टी बदलते चले जाएं, चाहे एप्सिलॉन फिक्स हो लेकिन आपका नेचुरल नंबर एन नॉट चेंज होता चला जाए, तो हम कहेंगे ये सीक्वेंस एक्स एन एक्स को कन्वर्ज कर रही है पॉइंट वाइज। और अगर एक्स एन और एक्स आपस में करीब होते चले जाएं और हर टी की दफा हमें एक ही एन नॉट मिले, एप्सिलॉन को फिक्स करने के बाद चाहे टी बदलते चले जाएं लेकिन एन नॉट हमारा चेंज ना हो, हर टी के लिए जो एन नॉट है हमारा वो चेंज हो सिर्फ किसके ऊपर? एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करता हुआ। एक्स एन टी माइनस एक्स टी के डिफरेंस का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो, फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट, फॉर सम गिवन एप्सिलॉन, लेकिन फॉर ऑल टी, टी जितने मर्जी तब्दील करते चले जाए लेकिन एक्स एन टी माइनस एक्स टी के एक्स टी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो फॉर ऑल टी। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का मतलब मैंने आपको समझाया है। पॉइंट वाइज में ये है कि एक्स एन को एक्स को कन्वर्ज करता हुआ कहेंगे अगर आपको हर एप्सिलॉन और हर टी की दफा एक एन नॉट मिले, और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस उस वक्त कहेंगे जब हर एप्सिलॉन की दफा और जो सा मर्जी टी ले लें आपको सेम एन नॉट मिले। पॉइंट वाइज में जो एन नॉट है वो एप्सिलॉन और टी दोनों के चेंज होने से चेंज होता है, और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में हमारे पास जो एन नॉट है वो सिर्फ एप्सिलॉन के चेंज होने से चेंज होगा, टी के चेंज होने से चेंज नहीं होगा। मैंने आपको फर्क समझाया है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में जब भी एक्स एन एक्स को कन्वर्ज करेगी तो जो एन नॉट है वो डिपेंड करेगा कि आपने क्या एप्सिलॉन लिया है और किस नंबर टी के ऊपर बात कर रहे हैं, जबकि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में जो एन नॉट है वो हमें सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता हुआ मिलेगा कि एप्सिलॉन हमने क्या लिया है, टी जो मर्जी ले लेंगे एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करेगा एन नॉट। ये बात थी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की। एक और रिजल्ट मुझे इस्तेमाल करना है और वो ये है कि अगर मेरे पास सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस हो, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की उनमें एक और खूबी हो और वो खूबी क्या हो कि वो कंटिन्यूस फंक्शंस हो और वो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एक्स एन एक्स को कन्वर्ज कर रही हो, और कैसे कन्वर्ज कर रही हो? यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही हो। यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस का मतलब मैंने समझा दिया। ऐसी सूरत में अगर एक्स एन एक्स को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है तो जो फंक्शन एक्स होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। अगर आपके पास एक सीक्वेंस है कंटिन्यूस फंक्शंस की, वो एक फंक्शन एक्स को कन्वर्ज कर रही है और यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, तो ऐसी सूरत में ये फंक्शन जो एक्स है ये कंटिन्यूस होगा। आम हालात में अगर एक्स एन एक्स को पॉइंट वाइज कन्वर्ज करे, सारे एक्स एन कंटिन्यूस हों
तो ऐसी एग्जांपल्स मिल सकती हैं कि जिनमें ये एक्स कंटिन्यूस ना हो। लेकिन अगर एक्स एंड एक्स को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे और सारे एक्स एंड कंटिन्यूस हो तो फिर गारंटी है कि एक्स भी कंटिन्यूस होगा। इन बातों को याद रखते हुए हम थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। थ्योरम ये है कि हमारे पास स्पेस है सी ए बी जिसमें कंटिन्यूस फंक्शंस हैं जिनकी डोमेन ए बी है और जिनकी इमेजेस रियल नंबर्स में मौजूद हैं, रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है। इसको हमने कंप्लीट प्रूफ करना है। कंप्लीट प्रूफ करने के लिए कोई सी कॉशी सीक्वेंस लेते हैं इस स्पेस सी ए बी के अंदर और प्रूव ये करते हैं कि वो कॉशी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है इसी स्पेस सी ए बी के एक एलिमेंट को। कॉशी सीक्वेंस ले ली है सी ए बी में और प्रूव ये करेंगे कि ये जो हमने कॉशी सीक्वेंस ली है ये सी ए बी के ही एक एलिमेंट को कन्वर्ज कर रही है। अगर हमने ये प्रूव कर लिया तो इसका मतलब ये होगा कि सी ए बी में जब भी कॉशी सीक्वेंस लें वो कन्वर्ज करती है, यानी सी ए बी स्पेस जो है वो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। तो सीक्वेंस ले ली कॉशी सीक्वेंस, कॉशी सीक्वेंस है तो कॉशी सीक्वेंस के मुताबिक क्या होगा? जी क्या होगा? तो कॉशी होने का मतलब ये है कि हर एप्सिलॉन के लिए हमें एक नेचुरल नंबर एन नॉट मिलेगा कि जब हम डी लेंगे सीक्वेंस की टर्म्स का, सीक्वेंस की टर्म एक्स एन और एक्स एम का, वो एप्सिलॉन से लेस आएगा जब भी सीक्वेंस की टर्म का नंबर जो है वो एन नॉट या एन नॉट से ग्रेटर होगा। और डी का फार्मूला सी ए बी में डी के फार्मूले के मुताबिक ये बन जाएगा मैक्सिमम एक्स एन टी माइनस एक्स एम टी, जहाँ पर टी कहाँ से लेना है? टी क्लोज इंटरवल ए बी में से लेना है। ये मैक्सिमम लेस है एप्सिलॉन से फॉर आल एम एंड एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट। हमने ये डिफरेंस लिया, इसका मॉडुलस लिया, टी की डिफरेंट वैल्यूज लेते चले गए और उनमें से फिर हमने ढूंढा मैक्सिमम, वो मैक्सिमम एप्सिलॉन से लेस है। जिस टी के लिए ये मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी यानी एक्स एन टी माइनस एक्स एम टी का मॉडुलस मैक्सिमम होगा, बाकी टी के ऊपर जो आंसर आएगा वो उससे लेस या इक्वल होगा। मैक्सिमम की डेफिनेशन के मुताबिक जिस टी पर आंसर मैक्सिमम होगा बाकी टी पे जो ये मॉडुलस का आंसर होगा वो उस मैक्सिमम वाले से लेस या इक्वल होगा। आप कह सकते हैं चूंकि एक्स एन टी माइनस एक्स एम टी के जो मॉडुलस है वो लेसर इक्वल है इस मैक्सिमम वाले नंबर से। ये हमने डिफरेंस लिया, मॉडुलस लिया, उसमें से मैक्सिमम नंबर देखा, टी को बदलते रहे किसी एक पे, हो सकता है एक से ज्यादा पे, लेकिन बहरहाल ये मैक्सिमम नंबर देखा, और बाकी नंबर्स पे एक्स एम टी माइनस एक्स एम टी का मॉडुलस लिया जो मैक्सिमम वाला है, ऑब्वियसली वो ग्रेटर और इक्वल होगा। अब अगर हम इन दोनों बातों को मिलाएं तो इन दोनों बातों को मिलाकर हम ये कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि xmt माइनस xmt का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है फॉर ऑल m एंड n ग्रेटर और इक्वल टू n नॉट। और किस किस t के लिए? यहां पर तो सिर्फ उस t के लिए था जो मैक्सिमम है, बाकी टी का जो मॉडुलस है वो चूंकि मैक्सिमम वाले से लेस आर इक्वल है तो अब ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है फॉर आल टी बिलोंग्स टू ए और बी के लिए। यानी एक्स एम टी माइनस एक्स एम टी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है फॉर आल टी बिलोंग्स टू ए और बी के लिए। इसको मैंने नंबर कर लिया है, इसको मैं बाद में यूज करूंगा और ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है हर टी की वैल्यू के लिए। और अगर मैं फिक्स कर लूं, अगर मैं टी नॉट को ये एक फिक्स नंबर ले लूं तो क्या ये इनक्वालिटी फिर भी होल्ड करेगी? क्योंकि ये टी की हर वैल्यू के लिए होल्ड कर रही है तो ये टी की उस फिक्स वैल्यू के लिए भी होल्ड करेगी। एक्स एम टी नॉट माइनस एक्स एन टी नॉट का मॉडुलस लेस होगा एप्सिलॉन से फॉर ऑल एम एंड एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट के लिए। टी नॉट को मैंने फिक्स कर लिया है, जब मैंने टी नॉट को फिक्स कर लिया है तो बेसिकली मेरे पास जो है एक्स वन टी नॉट
एक्स टू टी नॉट, ये बन रही है सीक्वेंस इन आर। मेरे पास एक्स वन एक्स टू ये सारे फंक्शंस हैं, ये ऐसे फंक्शंस हैं जो रियल वैल्यूड हैं। जब भी किसी डोमेन के एलिमेंट टी नॉट पे ऑपरेट हो रहे हैं तो आंसर रियल नंबर्स आ रहे हैं, यानी x1 t0, x2 t0, x3 t0, ये सीक्वेंस है R में। और कैसी सीक्वेंस है? ये कॉशी सीक्वेंस है। मेरे पास ये जो xn t0 बन रहा है n की वैल्यू चेंज करते हुए, ये कॉशी सीक्वेंस बन रही है R के अंदर। R के बारे में हमें मालूम है कि R एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। R के अंदर हर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, इसका मतलब है ये सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट है। क्योंकि R कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है, इसका मतलब है x एन टी नॉट कन्वर्ज करेगी R में ही किसी एक एलिमेंट को। जिस एलिमेंट को कन्वर्ज करेगी उस एलिमेंट का नाम मैंने x ऑफ टी नॉट रख लिया। क्या नाम रख लिया? उसका x ऑफ टी नॉट रख लिया। T को हमने फिक्स कर लिया। T को फिक्स करने से ये रिजल्ट फिर भी होल्ड कर रहा था, क्योंकि ये हर T के लिए होल्ड कर रहा था। यहाँ से मेरे पास x1 t0, x2 t0 सीक्वेंस आ गई R में, और ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है इस सीक्वेंस के लिए। इसका मतलब है इस सीक्वेंस की टर्म्स आपस में करीब हैं। ये सीक्वेंस है कॉशी सीक्वेंस इन R है। ये चूंकि कॉशी सीक्वेंस इन आर है, आर हमें पता है कंप्लीट है, तो ये आर के ही किसी एलिमेंट को कन्वर्ज करेगी। ये किस एलिमेंट को कन्वर्ज कर रही है उसका नाम हमने रख लिया है एक्स ऑफ टी नॉट। जैसे जैसे आप टी नॉट बदलते जाएंगे आपके पास कॉशी सीक्वेंसेस बनती चली जाएंगी। वो सारी कॉशी सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट हैं, वो जिस नंबर को कन्वर्ज कर रही हैं हर दफा हम टी नॉट के अकॉर्डिंगली उसका नाम रख रहे हैं। T को फिक्स करके T नॉट लिया है, xn T नॉट x T नॉट को कन्वर्ज कर रही है। T को फिक्स करके T1 ले लेंगे तो जो कॉशी सीक्वेंस xn T1 बनेगी वो x T1 को कन्वर्ज कर रही है। इस तरह से T को आप चेंज करते चले जाएं, इस इंटरवल में से बारी बारी T चेंज करते चले जाएं, हर दफ़ा आपके पास एक कॉशी सीक्वेंस बनती चली जाएगी R में, और वो हर दफ़ा कन्वर्ज करेगी। डिफाइन करने लगे हैं एक नया फंक्शन। फंक्शन का नाम x है, ये a b से r पे है, यानी रियल वैल्यूड फंक्शन है। और जब भी x किसी t पर ऑपरेट होता है तो क्या जवाब आता है? जवाब आता है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो x एन t सीक्वेंस बन रही है उसकी लिमिट के इक्वल आता है। जवाब आता है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी x एन t। जब भी कोई t ले क्लोज इंटरवल ए बी में से, तो उस t के ऊपर जब x ऑपरेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? उस t के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉशी सीक्वेंस x एन t बनेगी, वो सीक्वेंस जिस नंबर को कन्वर्ज करेगी उसकी लिमिट का जो आंसर होगा वही हमने x ऑफ t की डेफिनेशन की है। ये हमने एक नया फंक्शन बनाया है जिसकी डोमेन क्लोज इंटरवल ए बी है और रेंज R है, यानी रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब हम प्रूव ये करेंगे कि जो हमारी ओरिजिनल कॉशी सीक्वेंस हमने ली थी वो इस फंक्शन X को कन्वर्ज कर रही है, एक बात। और दूसरी बात ये प्रूव करेंगे कि ये फंक्शन CAB में है। CAB स्पेस में होने के लिए ज़रूरी होता है कि डोमेन AB क्लोज इंटरवल हो, रेंज R हो, और वो कंटिन्यूस फंक्शन हो। जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है क्लियरली इसकी डोमेन ए बी है, ये रियल वैल्यूड है। बस मुझे एक और बात प्रूव करना होगी कि ये एक्स कंटिन्यूस है। अगर ये एक्स कंटिन्यूस है तो इसका मतलब ये एक्स सी ए बी में है। तो मुझे दो बातें अब प्रूव करनी है, एक ये कि सीक्वेंस एक्स एन इस फंक्शन एक्स को कन्वर्ट कर रही है, और दूसरा ये प्रूव करना है कि ये एक्स सी ए बी में है। ये बातें प्रूव हो जाएंगी तो थ्योरम का प्रूफ भी खत्म हो जाएगा। अब हम शो करेंगे, दो बातें शो करेंगे। एक बात ये शो करेंगे कि जो एक्स एन सीक्वेंस है
वो x को कन्वर्ज कर रही है, और दूसरी बात ये शो करेंगे कि जो x है वो C A B सेट में है, स्पेस C A B में है। xn x को कन्वर्ज कर रही है, ये शो करने के लिए मैं इनक्वालिटी 1 में लिमिट ले रहा हूँ m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर मैं इसमें m को n नॉट से स्टार्ट करूँ और एक्स एन टी माइनस एक्स एन नॉट टी लेस देन होगा एप्सिलॉन के, एम को इन्फिनिटी लेना है, एम को स्टार्ट किया मैंने एन नॉट से, अब एक्स एन नॉट प्लस वन लेंगे, ये भी एप्सिलॉन से लेस होगा, एन नॉट प्लस टू लेंगे, तो ये सारे नंबर एप्सिलॉन से लेस आएंगे। बेसिकली हमारे पास ये एक सीक्वेंस बन रही है जिसमें n बदलता जा रहा है, n के ऊपर ये सीक्वेंस बन रही है, और ये ऐसी सीक्वेंस है कि इसकी हर टर्म एप्सिलॉन से लेस है। हमारे पास एक रिजल्ट है, और वो रिजल्ट ये है कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हो और उसकी हर टर्म किसी एक नंबर फॉर एग्जांपल a से लेस हो फॉर ऑल n के लिए, और उस सीक्वेंस की लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही हो, वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो, तो रिजल्ट ये कहता है कि ऐसी सूरत में उस सीक्वेंस की जो लिमिट होगी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन, वो इस नंबर a से लेस आर इक्वल होगी। इस रिजल्ट में m को चेंज करते चले जाएं, n नॉट से स्टार्ट करें, n नॉट प्लस वन लें, n नॉट प्लस टू लें, m को बदलते चले जाएं, तो ये एलिमेंट्स हमारे पास बना रहे हैं एक सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस की हर टर्म एप्सिलॉन से लेस है। अगर इस सीक्वेंस की हर टर्म एप्सिलॉन से लेस है तो इसका मतलब है इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो भी एप्सिलॉन से लेस होगी। तो इसमें मैं लिमिट ले रहा हूं m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्यों एग्जिस्ट करती है? हम प्रूव कर चुके हैं कि जो सीक्वेंस हमारे पास एक्स एन टी नॉट है, ये टी नॉट की हर फिक्स्ड वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट है, तो एक्स एम टी जो है ये भी हर टी की फिक्स्ड वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट है। तो अगर मैं इसमें एम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लूँ तो इस सीक्वेंस की जो एन नॉट के चेंज करने से बन रही है, इस सीक्वेंस की लिमिट जो है वो एप्सिलॉन से लेस आर इक्वल आएगी, यानी हमारे पास रिजल्ट आएगा मैक्सिमम ऑफ इसमें लिमिट ले ली m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये लिमिट लेस आर इक्वल टू एप्सिलॉन आएगी। आप हो सकता है ये सोच रहे हो कि यहां मैंने कहा है फॉर ऑल n, जबकि यहां पर इस m को शुरू करना है हमने n नॉट से। इसके लिए कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, आपको याद होना चाहिए ये भी कि अगर एक सीक्वेंस की कुछ टर्म शुरू की छोड़ दी जाएं, बाकी ली जाएं और वो कन्वर्ज कर रही हों, तो उन टर्म्स को शामिल करके भी सीक्वेंस कन्वर्ज ही करती है और उसकी लिमिट का वही आंसर रहता है। अगर मैंने इस सीक्वेंस को एन नॉट से स्टार्ट करके कन्वर्ज करवा रहा हूँ, कह रहा हूँ कि ये एप्सिलॉन से लेस आर इक्वल है, तो एन नॉट से प्रीवियस में भी यही केस होगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। और इसकी लिमिट को हमने क्या कहा है, m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स एम टी की लिमिट को हमने एक्स टी कहा है। तो यहाँ पर हमारे पास फिलहाल रिजल्ट बन गया कि मैक्सिमम t बिलोंग्स टू ए बी मॉडुलस ऑफ एक्स एम टी माइनस एक्स टी इज लेस आर इक्वल टू एप्सिलॉन। ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है तमाम n ग्रेटर इक्वल टू n नॉट के लिए और उस टी के लिए जिसके ऊपर ये वाला आंसर मैक्सिमम है। फिर वही बात जो थोड़ी देर पहले हमने की थी, अगर इस तरह के नंबर्स में से मैक्सिमम नंबर एप्सिलॉन से लेस आर इक्वल है तो क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि बाकी सारे नंबर्स भी एक्स एन टी माइनस एक्स टी के डिफरेंस का मॉडुलस वो भी लेस आर इक्वल होंगे फॉर आर टी के लिए। अगर उस टी के लिए रिजल्ट होल्ड कर रहा है जिस टी पे ये आंसर मैक्सिमम आ रहा है, तो जिन टी पे आंसर मैक्सिमम नहीं है, यानी जो ये मॉडुलस का आंसर है इस मैक्सिमम से लेसर इक्वल है, उनके लिए भी ये आंसर एप्सिलॉन से लेसर इक्वल होगा।
अगर हम शुरू में एप्सिलॉन बाय 2 ले लेते, यहां एप्सिलॉन बाय 2 से लेस कहते, तो यहां फिर एप्सिलॉन से लेस निकल आता। यानी इसको हम हर एप्सिलॉन से लेस भी बना सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो सीक्वेंस xn है कन्वर्ज कर रही है, और सीक्वेंस फंक्शंस की जब कन्वर्ज करती है तो दो तरह से कन्वर्ज करती है, या पॉइंट वाइज कन्वर्ज करती है या यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है। अगर तो ये रिजल्ट होल्ड करे फॉर आर टी, टी के बदलने से एन नॉट ना बदले, तो इसका मतलब होता है यूनिफॉर्मली कन्वर्ट कर रही है। और यहां पे चूंकि ये रिजल्ट फॉर आर टी होल्ड कर रहा है, टी के बदलने से एन नॉट नहीं बदल रहा, एन नॉट सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब है कन्वर्जेस टू एक्स यूनिफॉर्मली। ये सीक्वेंस जो xn है ये x को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है। और हमने थ्योरम किया था कि जब सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ऐसी हो कि उसमें हर फंक्शन कंटिन्यूस हो और वो किसी फंक्शन को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे, तो वो फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है। यहाँ से ये रिजल्ट भी निकल आया कि हमारे पास जो x है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। हमने दो बातें प्रूव कर ली कि xn x को कन्वर्ज कर रही है और x कंटिन्यूस फंक्शन है। x को कंटिन्यूस कहने का मतलब यह है कि जो हमारा x है वो CAB में मौजूद है। x की डोमेन क्लोज इंटरवल AB है, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, ये कंटिन्यूस है, तो x CAB में है। हमने CAB में एक कॉशी सीक्वेंस xn ली थी और वो एक फंक्शन x को कन्वर्ज कर गई है और वो x भी CAB में है। तो क्या नतीजा निकला? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये नतीजा निकल आया कि जो CAB स्पेस है वो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। तो हमने प्रूव कर लिया कि जो CAB स्पेस है वो एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। लास्ट में एक दफा थ्योरम को ओवरव्यू कर लेते हैं। प्रूव ये करना था कि जो स्पेस सी ए बी है वो कंप्लीट है। इसके लिए हमें प्रूव करना था कि इसके अंदर कोई सी भी कॉशी सीक्वेंस ले वो कन्वर्जेंट होगी। हमने इसमें एक कॉशी सीक्वेंस एक्सएन ले ली। कॉशी सीक्वेंस का मतलब ये है कि इसकी आपस की टर्म्स का जो डी है वो एप्सिलॉन से लेस है। कोई भी एप्सिलॉन लेंगे आपको एक नेचुरल नंबर एन नॉट मिल जाएगा कि जब भी सीक्वेंस की टर्म का नंबर एम और एन एन नॉट से ग्रेटर या इक्वल होगा तो उन टर्म्स का आपस का जो डी है वो एप्सिलॉन से लेस होगा। सी ए बी में डी की डेफिनेशन यूज की। मैक्सिमम ऑफ एक्स एम टी माइनस एक्स एम टी के मॉडुलस का फॉर टी बिटवीन ए एंड बी, ये वाला नंबर जो मैक्सिमम है वो एप्सिलॉन से लेस है। अगर बाकी टीज के लिए मैं यही एक्स एम टी माइनस एक्स एम टी का मॉडुलस हल करूं तो बाकी टीज पे जो आंसर आएगा वो जिस टी पे मैक्सिमम आ रहा है उससे लेसर इक्वल आएगा बाकी सारे टीज के लिए। अगर ये इससे लेसर इक्वल है और ये एप्सिलॉन से, तो एक्स एम टी माइनस एक्स एन टी एप्सिलॉन से लेस है फॉर ऑल एम एंड एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट और फॉर ऑल टी के लिए। ये रिजल्ट तमाम टी के लिए होल्ड कर रहा है। अगर तमाम टी के लिए होल्ड कर रहा है तो कोई फिक्स टी कर लूं उसके लिए भी होल्ड करेगा। टी नॉट फिक्स कर लिया, जब हमने टी नॉट को फिक्स कर लिया तो एक्स वन टी नॉट एक्स टू टी नॉट एक सीक्वेंस बन गई आर में, और ये सीक्वेंस इस रिजल्ट के मुताबिक कॉशी है। यानी आर में एक कॉशी सीक्वेंस है। आर के बारे में हमें मालूम है वो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है, इसमें कॉशी सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, ये आर के ही किसी एक एलिमेंट को कन्वर्ज कर रही है। टी नॉट लेने पर जो सीक्वेंस बनी है वो जिस नंबर को कन्वर्ट कर रही है उस नंबर का नाम हमने एक्स ऑफ टी नॉट रख लिया। और इसी तरह से टी नॉट चेंज करते चले जाएं, सीक्वेंसेस बनती चली जाएंगी जो सारी कॉशी होंगी और आर में कन्वर्जेंट होंगी, उनकी लिमिट्स की मदद से हमने एक नया फंक्शन एक्स बना लिया ए बी से आर पे, कि जब भी ये किसी टी पर ऑपरेट हो तो उस टी के कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्स एंटी सीक्वेंस कॉशी बन रही है आर में उसकी लिमिट का आंसर हम एक्स ऑफ टी को रख लें। ये हमने डिफाइन कर लिया है। अब अगर हम प्रूव ये कर दें कि ये एक्स जो है ये सी ए बी में है यानी कंटिन्यूस है, और प्रूव कर दें कि सीक्वेंस एक्स एन एक्स को कन्वर्ज कर रही है, तो हमारा मसला हल हो जाएगा। हमने ये जो वन इनक्वालिटी थी
इसके अंदर अगर हम m को चेंज करना शुरू कर दें, m को पहले n नॉट लें, फिर n नॉट प्लस वन लें, तो ये एक सीक्वेंस बनेगी और इस सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो एप्सिलॉन से लेस होगी। और अगर इसकी लिमिट हल करें, इसमें m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लें, तो वो लिमिट भी इसमें हल हो रही है, क्योंकि xmt लिमिट जो है वो हल हो रही है। और हमें पता है कि अगर किसी सीक्वेंस की हर टर्म किसी एक नंबर a से लेसर हो, तो उस सीक्वेंस की जो लिमिट होती है वो भी a से लेसर इक्वल होती है। अगर इस सीक्वेंस की हर टर्म n नॉट से शुरू होकर इन्फिनिटी तक एप्सिलॉन से लेस है, तो इस सीक्वेंस की जो लिमिट है m के केस में, m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के केस, वो एप्सिलॉन से लेस या इक्वल होगी। हमने इस बात का इस्तेमाल किया, हमने इसमें लिमिट ले ली, इससे नतीजा ये निकला कि मैक्सिमम ऑफ xnt माइनस xt मॉडुलस एप्सिलॉन से लेसर इक्वल आ गया, यहाँ लेसर इक्वल आ गया। लेकिन ये लेसर इक्वल आप जब भी चाहें लेस में चेंज कर सकते हैं। शुरू में आप एप्सिलॉन बाय टू ले लें, तो यहाँ एप्सिलॉन बाय टू से लेसर इक्वल और एप्सिलॉन से लेस बन जाएगा, ये कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर मैक्सिमम वाला आंसर एप्सिलॉन से लेसर इक्वल है जिस टी पे मैक्सिमम है, तो बाकी टी के ऊपर भी जो आंसर बनेंगे एक्स एन टी माइनस एक्स टी मॉडुलस वो एप्सिलॉन से लेस होंगे, और ये हर एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट के लिए होगा, टी पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब है जो सीक्वेंस एक्स एन है वो एक्स को यूनिफॉर्मली कन्वर्ट कर रही है। और हमें थ्योरम पता है कि जब सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ऐसी हो कि उसमें हर फंक्शन कंटिन्यूस हो और वो किसी एक फंक्शन को यूनिफॉर्मली कन्वर्ट करे, तो जिस फंक्शन को यूनिफॉर्मली कन्वर्ट करती है वो फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है। इसका मतलब ये एक्स कंटिन्यूस है। ये जो एक्स हमने ए बी से आर पर बनाया था ये कंटिन्यूस फंक्शन है, इसका मतलब ये सी ए बी में है। और जो सीक्वेंस एक्स एन है वो इस एक्स को कन्वर्ज कर रही है। कॉशी सीक्वेंस ली थी सी ए बी में, वो सीक्वेंस सी ए बी के ही एक एलिमेंट एक्स को कन्वर्ज कर रही है। जब भी आप कॉशी सीक्वेंस लेंगे सी ए बी में, वो सी ए बी के ही एक एलिमेंट को कन्वर्ट करेगी। यही प्रूफ करना चाहते थे, प्रूफ हो गया कि जो स्पेस सी ए बी है वो एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। आज के लिए इतना ही, मज़ीद कुछ रिजल्ट्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।